पूर्व राम तपोवना दिगमनम हत्वाम ऋगम कांचनम वैदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनिग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकरण हननम एतेत हि रामायणम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भिध्यानगम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं जो मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते वे भी यदि मोहिनी एकादशी की कथा को सुन लेते हैं तो उन्हें भी 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। बंधुओं यदि आपने हमारे YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं सबसे पहले मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद भगवान को स्नान कराएं और भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, दाहिने हाथ में जल लें, थोड़े से काले तिल लें, थोड़े से पुष्प लें और कुछ दक्षिणा रखें और फिर भगवान के समक्ष खड़े होकर संकल्प लें और कहें अमुक संवत्सरे अर्थात संवत्सर का नाम और फिर वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पुण्यदायिनी मोहिनी एकादशी तिथो अमुक वासरे रविवार अमुक गोत्र उत्पन्न जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ है अमुक नामनो अहम जो भी आपका नाम है को शर्मा अहम सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानी तेषां शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये और फिर इस जल को भगवान के समक्ष छोड़ दें। बंधुओं उसके बाद मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करने के साथ साथ कथा सुनने के साथ साथ गौशाला जाकर गौओं को हरा जरूर डालें और साथ ही पक्षियों को कुछ भी चोगा अवश्य दें। ऐसा करने से भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं मोहिनी एकादशी के दिन कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको कोई दोष लगे। बंधुओं मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री राम की पूजा की जाती है और भगवान श्री राम क्योंकि भगवान श्री राम भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। बंधुओं मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के रूप श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान को स्नान आदि कराकर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान को गुड़ अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं मोहिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा विधि करने के बाद आरती उतारें और मीठे फलों का भगवान को भोग लगाएं। हो सके तो भगवान को आम का भोग लगाएं। बंधुओं क्योंकि आम मीठे रस से भरा हुआ होता है साथ ही उसमें बीज होता है। कहा जाता है यदि आप भगवान को बीज युक्त फल प्रदान करते हैं
तो आपको भी फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को वितरित करके स्वयं भी प्रसाद अवश्य लें। बंधुओं, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से निंदित कर्मों के पाप से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य भी मोहिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बंधुओं, मोहिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत गीता सुने, भगवान श्री राम की कथा सुने और भगवान विष्णु की कथा सुने। भगवान को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और हो सके गुलाब के फूल मिले तो भगवान को गुलाब के फूल भी अर्पित करें। वैसे तो साल की 24 तथा पुरुषोत्तम मास आने पर साल में 26 एकादशी आती हैं। बंधुओं, वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, साल की हर एकादशी की अलग कथा होती है और वैशाख मास की मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली कथा अब मैं आपको सुनाऊंगी। युधिष्ठर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो स्वस्थ पापों का क्षय, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्य के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का पावन महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भाव से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्रह्मन, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेकों
जन्मों के किए हुए महापाप भी मेरु पर्वत के समान नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निपशेष इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय। बंधुओं, अब सब मिलकर मेरे साथ आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छिन्न में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुखे आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी, तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलू दया में, किस विध मिलू कृपा में, तुम को मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर चरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन जन सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कपूर गोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे,
भवं भवानी सरितं नमामि, भवं भवानी सरितं नमामि। बंधुओं, अब आरती के बाद सभी आरती लें और फिर भगवान को भोग लगाएं। भगवान को आम का भोग लगाएं और सभी भोग ग्रहण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।